मुझे तो पता भी नहीं चल रहा ये है क्या। तो गाइस जो पहली चीज मैंने नोटिस करी वो देखी ये बहुत सारी डस्ट इसके ऊपर। ये प्रोडक्ट है ये बहुत ही खराब कंडीशन में हमारे पास आया है। चार्जर दिया नहीं, 100 रुपए की इनको रिश्वत देनी है कि भैया रेटिंग दे दो। तो ये ना प्रॉपर इन्होंने धमकी दे दी है कि फ्रॉड क्लेम मत कर देना, हमने सीसीटीवी में इन्होंने पैक किया है। तो यार अब थोड़ा मूड थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इससे पहले वाले गैजेट ने मूड थोड़ा खराब ही कर दिया। तो वेलकम बैक गाइज, वापस आ गया हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, और आज हम एक और ई कॉमर्स ऐप और वेबसाइट को टेस्ट करेंगे। और ये वाली जो ऐप है और वेबसाइट है ये आप लोगों के सजेशन से ही है, और ये जो मुझे कमेंट्स में कुछ लोग मुझे लिख रहे थे कि ये वाली ऐप को ट्राई करो, तो आज करेंगे वो वाली ऐप टेस्ट। तो अगर आप नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं लाइक टारगेट आपको बता दूं, और वो है जस्ट 1000 लाइक्स। आज के लिए लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज वो करो, मोटिवेशन मिलती है मुझे, और मुझे कोई सजेशन है वो भी आप प्लीज दो। तो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, और आज की जो ऐप है वो है ग्लो रोड। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ग्लो रोड है क्या, तो मैंने जब चेक किया ऑनलाइन तो मैंने देखा कि अमेजोन ने एक्वायर किया था। हाँ मैंने नाम जरूर सुना था ग्लो रोड का इधर उधर कहीं, बट मैंने कभी ऐप वो चेक नहीं करी थी। तो जल्दी से कर लेते हैं इस ऐप को टेस्ट, और गाइज हम करेंगे फिर से 5 गैजेट्स ऑर्डर, और इंटरेस्टिंग सी गैजेट्स ऑर्डर करने की कोशिश मैं करूंगा जो हमारे काम भी आए और आप लोगों को भी अच्छे लगे। तो जो गैजेट्स हैं मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमने ऑर्डर करी है। तो आ गया है टाइम प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने का। तो ये है इसकी ऐप का आइकॉन ग्लो रोड, और जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पर लिखा है ग्लो रोड बाय अमेजोन। तो जो पहला गैजेट मुझे पसंद आया इस ऐप पर वो है ये, और ये है एक इलेक्ट्रिक पोर्टेबल मिनी फोल्डिंग प्रेसिंग स्टीम फ्लैट आयरन। पर इतना बड़ा नाम है छोटा सा डाल दो यार, एक मिनी है स्टीम आयरन है, अरे कहना क्या चाहते हो, छोटा सा नाम डाल दो, इतना सारा कुछ लिख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ एक स्टीम आयरन है आपकी क्लोथ्स के लिए, और इसकी जो प्राइसिंग है वो दिख रही है 398 रुपीज। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको अपनी कार्ट में डाल देते हैं हम। तो जो दूसरा गैजेट मुझे पसंद आया है वो है ये पोर्टेबल फैन। तो यहाँ पर देख सकते हो एक USB नेक फैन है, और ये कुछ इसकी पिक्चर आपको दिख रही है। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 418 रुपए। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, इसको भी कार्ट में हम ऐड कर लेते हैं। और जो तीसरा गैजेट मुझे अच्छा लगा वो लगा ये एक अर्बन आर्मर गेयर, सो UAG करके कि उन्होंने एक पावर बैंक यहाँ लिखा है। तो आई एम नॉट श्योर ये रियल UAG है या नहीं है, और ये जो पावर बैंक है यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 mAh का पावर बैंक लिखा, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 700 रुपए के आसपास। तो भी मुझे अच्छा लगा, इसको भी कार्ट में हम ऐड कर लेते हैं। तो जो फोर्थ गैजेट मुझे अच्छा लगा वो एक ये वाला बैंड है, आप यहाँ देख सकते हो इसमें लिखा है यहाँ पे स्मार्ट वॉच M4। तो स्मार्ट वॉचेस हमने काफी सारी दूसरी ऐप से भी ट्राई करी है, इस बार एक फिटनेस बैंड हम ट्राई कर लेते हैं, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 329 रुपीज। तो ये अच्छा लग रहा है आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से, देखो इसको भी ऐड कर लेते हैं अपनी कार्ट में। तो जो आखिरी गैजेट मुझे पसंद आया इस ऐप पर वो है ये कूलर, और आपको पता है यार कि आजकल गर्मी बहुत हो गई है, तो एक पोर्टेबल कूलर मैं ढूंढ भी रहा था। तो ये जो कूलर है देख सकते हो एक मिनी कूलर ऐसा कुछ है ये, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है जस्ट 259 रुपीज़। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है इस प्राइस के हिसाब से, एक बार इसको भी ऐड कर लेते हैं अपनी कार्ट में। तो ये जो 5 गैजेट्स हैं हमने कार्ट में अपनी ऐड कर ली, तो इसको हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो गाइज आ गए हैं गैजेट्स जो हमने ऑर्डर किए थे, और ये जो गैजेट्स हैं हमारे पास 2 से 3 दिन के अंदर सारे के सारे आ गए। और जैसे कि अमेजोन ने ग्लो रोड को एक्वायर किया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि इनमें से कुछ गैजेट्स नेक्स्ट डे ही मेरे पास आ गए थे, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो डिलीवरी वाइज एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पैकेजेस हमारे पास आए हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तो जो पहली चीज़ हमारे पास ये आई है वो है ये, और गाइज ये है एक वायरलेस हैंगिंग नेक फैन। तो जो नेक फैन ऑर्डर किया था हमने वो ये वाला है, बॉक्स की कंडीशन आप देख सकते हो बिल्कुल ही खराब आई हमारे पास, ओपन है बॉक्स, यहाँ से भी देख सकते हो पूरा ओपन है बॉक्स, तो काफ़ी मुड़ा तोड़ा बॉक्स आया, और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार है इस बॉक्स की। तो एक बार देख लेते हैं, तो बॉक्स पे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आपके पास नेक फैन, तो चाइनीज में कुछ लिखा इसके अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, और इसके अंदर सिर्फ यही मिलता है, और आई थिंक इसके अंदर कुछ और भी है। तो यस एक चार्जिंग केबल भी है, जो कि आप देख सकते हो एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, तो टाइप सी नहीं मिलता आपको इसके अंदर। तो गाइज जो पहली चीज मैंने नोटिस करी वो देखी ये बहुत सारी डस्ट इसके ऊपर, और आप भी देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी सारी डस्ट है इसके ऊपर, यहाँ पे डस्ट ही डस्ट लगी हुई है। और प्रोडक्ट मुझे न्यू तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूज किया हुआ है, या फिर इसको रिटर्न कोई प्रोडक्ट होगा उसे रीपैक करके इन्होंने दे दिया है। जो रबड़ लगी है इसके ऊपर वाली जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक बिल्ड है पूरी, ओवरऑल बोल सकता हूँ कि जो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट एवरेज है। बस इसको मैं साफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो गाइज ये है हमारा वो पोर्टेबल नेक फैन, और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा था ये थोड़ा स्लीक सा होगा, गले में आप इसको जब लगाओगे तो स्लीक सी इसमें लुक आएगी, और एक्चुअल में फैन है तो मुझे लगता है इसी वजह से थोड़ा सा ये बल्की सा है, और यहाँ से वो एयर लेगा और यहाँ से वो एयर को वापस ऊपर करेगा आपकी तरफ। और ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर है एक इसका चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पर है मेरे ख्याल से इसका ऑन ऑफ का बटन, तो और कुछ इसमें बटन नहीं है। और ये जो नेक बैंड है ये
पूरा फ्लेक्सिबल है, तो आई थिंक जो रबड़ का पार्ट है उससे आप इसको अच्छे से इसको यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल काफी है। तो एक बार इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये नेक बैंड, नॉट नेक बैंड, नेक फैन ये काम कर रहा नहीं कर रहा। तो इसको एक बार पहन के मैं देख लेता हूँ। ओ वाओ, तो यार एक्चुअल में ये अच्छा ही है, मेरे को सारी हवा ना इस साइड ही आ रही है इसकी, मतलब ठीक है गले नेक थोड़ा सा ऐसे अगर मैं खुला रखूँगा तो शायद हवा अब यहाँ आ रही है। सरप्राइजिंगली वेरी गुड, मतलब मेरे को भी देखो थोड़े थोड़े पसीने भी आ रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको पहन के मुझे लगता है थोड़ी देर रखूँ तो आई एम श्योर इसकी जो हवा है उससे मुझे वो पसीने थोड़े कम हो जाएंगे। बट थोड़ा नॉइजी है, साउंड थोड़ी ज़्यादा है और आप सुन भी सकते हो, मुझे लगता है कि जो माइक से इसके जो फ़ैन की साउंड है वो सुन सकते हो। थोड़ा क्वाइट होता तो अच्छा होता। आई थिंक इसमें एक ही लेवल है, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला है इसका फर्स्ट लेवल, इसमें जो फ़ैन का थ्रो है वो अच्छा खासा है, काम कर रहा है यहाँ पे, इधर इधर मुझे गर्दन के यहाँ आसपास इसका थ्रो फील हो रहा है। तो एक बार सेकंड लेवल में भी चेक कर लेते हैं कि उसकी जो फ़ैन का थ्रो है, एयर का थ्रो है, वो कैसा है। तो ये अब तेज़ हो गया और इसमें जो हवा है वो पूरी अच्छे से यहाँ फील हो रही है, इवन ईयर्स तक मेरी हवा ये जा रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँ तो अब ये ऊपर ऊपर भी हवा आ रही है। तो प्रोडक्ट तो अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप जैसे कहीं काम कर रहे हो और आपको जैसे मुझे बहुत पसीने आते हैं, तो अगर मैं इसको लगा के अगर कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ घर में, तो मुझे लगता है कि वो उसमें मुझे काफ़ी ये राहत देगा। तो एक बार थर्ड लेवल भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो ये इसका मैक्स लेवल है और अब लग रहा है कि मेरे नीचे किसी ने रॉकेट के बूस्टर लगा दिया और वो उड़ने वाला हूँ मैं। जोक सपार्ट ये अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे पूरी हवा मुझे फील हो रही है। तो अभी देखो यार, इन्होंने मैंने ये फैन मैम को दे दिया है अपनी, और हवा जो है वो मतलब लग रहा है कि पसीना मसीना जो अगर आ रहा होगा। तो क्या थम्स अप है ये प्रोडक्ट या थम्स डाउन? तो प्राइस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि जो गैजेट है अच्छे से काम कर रहा है, जो उन्होंने बोला है वही ये गैजेट काम कर रहा है। थोड़ी कंडीशन हमारे पास अच्छी नहीं आई इस प्रोडक्ट की, नया होता और पैकेज अगर अच्छा होता तो मुझे और अच्छा लगता, बट अभी बोल सकता हूँ कि डिसेंट एक्सपीरियंस मेरा रहा है ग्लो रोड के साथ। और अगर आपको भी ऐसा एक नेक बैंड, नॉट नेक बैंड अगेन, नेक फैन अगर आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो इसको। तो जो सेकंड गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले बॉक्स में है। तो छोटा सा बॉक्स है ये और इस पे लिखा है हर जगह आप देख सकते हो फ्रजाइल फ्रजाइल हैंडल विथ केयर। तो पता नहीं क्या उन्होंने मुझे भेज दिया इसके अंदर, तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। ये रहा हमारा गैजेट, इस पर भी जो आप देख सकते हो कि बॉक्स की कंडीशन है ये बहुत ही खराब है, इतना मुड़ा थोड़ा ये बॉक्स उन्होंने भेजा है मुझे, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा ये है क्या। तो हमने ऑर्डर किया था ग्लो रोड जो अमेजोन का पार्ट है, और आप इसके ऊपर जो टेप देख सकते हो लिखा है फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट। तो एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। बॉक्स तो मुझे लगता है बिल्कुल ही फटा, बिल्कुल खराब बॉक्स है ये, गत्ता है ये, फट रहा है, इतना घटिया बॉक्स था। तो आपने देख ही लिया जो गैजेट है क्या है ये, ये था हमारा स्मार्ट ब्रेसलेट M4। तो अब यार बॉक्स तो मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ये फट रहा है, एक बार इसको किसी तरह निकाल के आपको दिखा देता हूँ गैजेट कैसा है हमारा। तो इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं है। तो ये रहा हमारा गैजेट का बॉक्स, और इसमें भी आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही खराब कंडीशन में हमारे पास आया है। और इसका बैंड देखो यार कैसा है, इसके अंदर लग रहा है आपको ये नया नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये नया प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी आप चेकआउट करो कि इसमें कितने स्क्रैचेस लगे हैं इसके ऊपर, मुझे किसी भी एंगल से ये प्रोडक्ट नया नहीं लग रहा। और पता नहीं मुझे कि ये क्या भेजा है उन्होंने, मुझे लग रहा था कि मीशो ही है एक ऐसी वेबसाइट जो थोड़े से खराब से प्रोडक्ट भेज रही है उनके सेलर्स, बट ग्लो रोड ने उसको एक्चुअल में, मीशो उससे कहीं ज़्यादा कुछ जगह बेटर है, ये बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट भी हमारे पास टूटा हुआ सा आया, जो चीज़ थी वो गंदे से गैजेट्स हमारे पास आए, मिट्टी लगी हुई थी उसके ऊपर, और इसके अंदर भी आप देखो कितनी सारी डस्ट लगी हुई है। और ये कंडीशन इस प्रोडक्ट की देखो क्या है यार, ऑर्डर आया उठा के दे दिया, चेक भी नहीं किया डब्बे की भी कंडीशन उसकी क्या थी, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इस टाइम। तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि यार स्टिल ये ऑन हो रहा नहीं हो रहा, बट मैं ऑन करूँ कैसे इसको, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे ऑन करूँ कैसे, क्योंकि इसमें इसका चार्जर ही नहीं दिया, क्योंकि चार्जिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ से इसके जो पेन लगे हैं यहाँ से यहाँ पर चार्जिंग डॉक लगेगा, बट बॉक्स में चार्जर नहीं है। एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। तो बॉक्स में चार्जर तो था नहीं, बट ये लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन हमें 5 स्टार की रेटिंग दो और 100 रुपए का। देखो यार चार्जर दिया नहीं, 100 रुपए की इनको रिश्वत देनी है कि भैया रेटिंग दे दो 5 स्टार, 100 रुपए दे देंगे मैं आपको, क्या करूंगा मैं इसका, देख रहे हो आप लाइक ये वॉच, अब बॉक्स भी फटा हुआ है, इसको रिटर्न भी आप नहीं कर सकते। एक नॉर्मल अगर बायर हो, मैं तो फिर भी टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट चेक करने के लिए कि कैसे आते हैं प्रोडक्ट, मतलब आप सोचते हो बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक ऑर्डर प्लेस करते हो और आपके पास ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें चीज़ें भी नहीं है और उसमें बॉक्स की कंडीशन क्या थी, और उसके बाद आपको ये इसे कार्ड दे रहे हैं, इस पर लिखा है कि यार आप इसमें हमें 5 स्टार की रेटिंग दे दो हम 100 रुपए दे देंगे, मतलब क्या फ़ायदा होगा इससे। आप अच्छे प्रोडक्ट दे दो, आपकी रेटिंग अच्छी ही, जेन्युइनली बायर्स आपको अच्छे देंगे, ये तो वेस्ट गए हमारे पैसे। तो अगर आप भी कोई ऐसा फिटनेस बैंड अगर ग्लो रोड पे देख रहे हो तो प्लीज़ उसे ना खरीदना इसे,
और मेरी मानो तो इसको स्किप करो, पैसे ना वेस्ट करो और कोई और अच्छी सी स्मार्ट वॉच खरीदो किसी ब्रांड की, वो बेटर है। तो यार अब थोड़ा मूड थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इससे पहले वाले गैजेट ने मूड थोड़ा ख़राब ही कर दिया, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा बाकी सब चीज़ें खोलने का। लेकिन ये वाला पैकेट खोल के देखते तो ये है हमारा थर्ड गैजेट जो हमने ऑर्डर किया था। तो इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। आई विश इसमें वो चीज़ हो जो हमने ऑर्डर करी थी वही, और थोड़ी नई सी हो, कंडीशन अच्छी हो ताकि मुझे मज़ा आए। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। इसमें भी जो बॉक्स है आप देख सकते हो कैसा आया हमारे पास, क्या बॉक्स की कंडीशन है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसके अंदर आप पैकेजिंग अच्छी दे रहे हो तो बेटर है। और बाकी यहाँ पे लिखा भी उन्होंने CCTV फुटेज नंबर 167W, तो अच्छी बात है उन्होंने रिकॉर्ड किया है इस बॉक्स को पैक करते हुए, ताकि कुछ फॉल्स क्लेम जो फाइल ना कर सके कुछ लोगों की, कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। तो एक बार से ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं बट हम CCTV से नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे वाले कैमरे से कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहला तो इन्होंने एक धमकी भरा हमें एक पत्र दिया है, वार्निंग, प्रोडक्ट को हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा कंप्लीट चेक एंड QC करके CCTV फुटेज की निगरानी पैक करा है, तो हमें किसी भी तरह का फ्रॉड ना करें तो हमें लीगल एक्ट 420 के तहत आपके थ्रू कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये ना प्रॉपर इन्होंने धमकी दे रही है कि फ्रॉड क्लेम मत कर देना, हमने CCTV में इन्होंने पैक किया है, तो अगर आपने किया तो 420 का केस लगा देंगे वो आपके ऊपर। तो एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बॉक्स हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर निकला है हमारा ये UAG का पावर बैंक, और ये इसका रिटेल बॉक्स है। यहाँ पे लिखा है UAG और पावर बैंक की कुछ पिक्चर दिखी है। तो एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कैसा है ये पावर बैंक। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, और ये जो पावर बैंक है ये भी बबल रैप के अंदर आ रहा है। तो पैकेजिंग इस वाले पावर बैंक की तो अच्छी लगी मुझे। और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर मिलता है हमें एक छोटी सी यूजर मैनुअल, और उसके अलावा ये रहा हमारा पावर बैंक। तो जो पावर बैंक है वो कॉम्पैक्ट है मेरे हाथ में, ये देखो आप पूरा आ गया, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है अभी फिलहाल मुझे अच्छी लग रही है। एक बार देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो बॉक्स के अंदर मिलता है हमें एक इसकी चार्जिंग केबल, और ये वाली चार्जिंग केबल एज यूजुअल एक माइक्रो USB केबल है। मैं तो बॉक्स में बस यही था, एक बार पावर बैंक को भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पावर बैंक, और इसमें आपको डुअल कलर मिल रहा है, एक रेड कलर है यहाँ पे और ऊपर मिल रहा है ब्लैक, और यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव फिल्म भी दी है इन्होंने। तो प्रोटेक्टिव फिल्म उन्होंने उतार दी है, और डस्ट जरूर है इसमें लेकिन स्टिल नया है, यूज तो नहीं लग रहा मुझे ये। तो अगर ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये चीज़ दिखी है, तो अगर इसको आप यहाँ से निकालो तो इधर निकल गया आपके पास एक ये केबल, और यहाँ पर आपके पास दो हैं, एक ये है टाइप सी और दूसरी साइड आपके पास है ये लाइटनिंग पोर्ट आईफोन के लिए, और ये जो केबल है कुछ इतनी लंबी है, तो ऑलमोस्ट 1 फुट की केबल आपके पास इसमें दी गई है इस पावर बैंक के अंदर, विच इज़ गुड। और इस साइड हमारे पास है इसका एक ये पावर बटन, तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी वो दिख रही है, तो यहाँ पर लिखा है 25, 50, 75, तो 75 तक अभी ये ऑन हो रहा था आई थिंक, इसमें 75% इसमें इसका चार्ज है। तो लिस्टिंग के हिसाब से जो पावर बैंक था उसकी कैपेसिटी थी 10,000 mAh, बट आई एम नॉट श्योर ये जो कैपेसिटी है ये रियल है नहीं है, कि बिकॉज हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे पावर बैंक के साथ रहा है वो कि इसमें 2,000 या 3,000 mAh की ही इसमें कैपेसिटी होती है, बट लिखा 10,000 होता है। बट ये वाला जो था वो UAG का पावर बैंक है, एंड UAG एक अच्छा खासा ब्रांड है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पावर बैंक है वो रियल है या नहीं है, UAG का ओरिजिनल पावर बैंक है या नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। और बाकी इसमें जो पोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, एक ये माइक्रो USB पोर्ट, एक फुल साइज़ USB का पोर्ट है, और इसमें एक टाइप सी का भी पोर्ट दिया गया आपको, बट इसमें जो चार्जिंग है वो सिर्फ माइक्रो USB से होगी, ये दोनों आउटपुट है इसके अंदर। तो एक बार आप चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये पावर बैंक सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम इसकी केबल को ही निकाल लेते हैं, और ये वाली केबल हम यूज़ करेंगे। तो ये रहा मेरा फ़ोन, और यहाँ पर हम टाइप सी पोर्ट यूज़ करेंगे, तो टाइप सी पोर्ट को लगा दिया है अपने इसमें, तो यहाँ पर ये चार्जिंग शुरू हो गई है। तो यस, ये पावर बैंक काम कर रहा है, टाइप सी पोर्ट एटलीस्ट काम कर रहा है। तो एक बार इसका लाइटनिंग पोर्ट भी हम चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा नहीं कर रहा, फॉर सम रीज़न लाइटनिंग पोर्ट तो नहीं काम कर रहा। एक बार मैं इसको केस से भी निकाल देता हूँ ताकि चेक कर ले, क्या पता ये पूरा अंदर जा नहीं रहा होगा पोर्ट। तो एक बार पूरा अंदर इसको घुसा के चेक कर लेते हैं, तो लाइटनिंग पोर्ट इस वाली केबल का ख़राब है, बाकी जो टाइप सी का पोर्ट है वो तो काम अच्छे से कर रहा है। तो जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि 10,000 mAh का ये पावर बैंक है, अगर ये वैसा ही है तो मुझे लगता है अच्छा खासा ये पावर बैंक है, और इसका जो साइज़ है देख सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इजीली आप इसे अपने बैग में इवन पॉकेट में भी ले जा सकते हो, और उस हिसाब से मुझे लगता है ये पावर बैंक ठीक है। और इस पावर बैंक को मैं कुछ दिन इसको टेस्ट भी करूंगा और चेक करूंगा कि 10,000 mAh की इसकी कैपेसिटी है वो रियल है या नहीं है, और अगर आपको ये पावर बैंक अच्छा लगा तो इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो जो फोर्थ गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस बॉक्स में है, और ये बॉक्स थोड़ा बड़ा सा है, तो एक बार इसको ओपन करके चेक लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे पता चल गया क्या है इसके अंदर, एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर निकला है हमारा ये वाला
कूलर। तो ये मिनी कूलर जो मैंने ऑर्डर किया था वो है इसके अंदर। तो जो बॉक्स की कंडीशन है वो ठीक है, तो बॉक्स मोड़ा थोड़ा नहीं है और न्यू ही लग रहा है मुझे। और ये वाले कलर्स इसके अंदर है, तो आई थिंक हमने नीला वाला कलर इसमें ऑर्डर किया था, तो मुझे लगता है नीला ही होगा इसके अंदर, बाकी सेम है। तो वैसे ओपन कर लेते हैं और मैं देख सकता हूँ कि यार हमने जो ऑर्डर किया था वो वाला कलर तो नहीं है इसमें। यहाँ पे ग्रीन कलर उन्होंने दे दिया है, यहीं से मुझे दिख रहा है इसको। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट और इसके अंदर आपको मिलता है ये कूलर और दैट्स इट। तो कूलर के अलावा इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा, और कूलर का साइज आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कुछ ऐसा है और ठीक है, कॉम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही एवरेज है। यहाँ पर आपके पास सारा प्लास्टिक में है, कुछ लिखा भी है, और यहाँ पर आपके पास दो वेंट है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और पीछे की साइड इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि या तो आप इसको बैटरी से ऑपरेट कर सकते हो, तो आप इसके अंदर 3 AAA बैटरी इसमें डल सकती हैं, बट मुझे लग रहा है AA का साइज़ है, AAA गलती लिख दिया इन्होंने। और इसमें आपके पास एक पावर का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर एक स्क्रू होना चाहिए था, वो तो वो स्क्रू भी इन्होंने नहीं दिया। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है कि यूज़ तो नहीं है, लेकिन कंडीशन इसकी ठीक है, जितना हमने पे किया था उसके हिसाब से मुझे लगता है प्रोडक्ट अच्छा है। तो फ्रंट में आपके पास ये दो चीज़ें हैं, तो एक ये ऐसा कुछ है, क्या है ये, कैसे क्या करेगा इसका देख लेंगे बाद में। और यहाँ पर एक ये ट्रे भी है, तो ट्रे के अंदर क्या निकला है, तो ट्रे के अंदर मिल गई इसकी केबल। तो मैं जो बोल रहा था कि इन्होंने चार्जिंग केबल नहीं दी, तो चार्जिंग केबल उन्होंने दी है। यहाँ पर हमारे पास एक USB 2 ये वाला पोर्ट वाली चार्जिंग केबल है, एंड और बाकी इसमें निकलता है एक कोलोन। तो एक बार इसको साइड में रख लेते हैं। एंड इसके अंदर एक ये ट्रे भी है, ये कहाँ निकली है, क्यों निकली है, और बाकी इसके अंदर आप पूरा अंजर पंजर देख सकते हो इसके अंदर, पूरा इसका कूलर का जो उन्होंने वायरिंग करी है वो सब दिख रही है। तो जितना मुझे समझ आया ये कि केबल मैंने इसकी लगा ली है पावर की, और यहाँ पर जो ये फ्रंट में ये एक ऑन ऑफ बटन है, तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये देखो इसका जो फैन है वो ऑन हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पूरा एक काइंड ऑफ एक रोलर है इसके अंदर, वो ऑन हो गया, वो घूम रहा है और उससे हवा आ रही है। और ये वाली जो ट्रे है वो मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर आप इसमें बर्फ़ रख दें और या फिर पानी रख दें, तो बर्फ मैं रिकमेंड करूंगा, बर्फ रख के इसके अंदर आप इसको अंदर डालो तो ये ठंडी ठंडी हवा फेंकेगा। तो अब ये वाले कूलर को हम टेस्ट कर रहे हैं घर पे, अभी ये ऑन मैंने कर दिया है, और अगर मैं हवा का थ्रो बोलूं तो मुझे तो बहुत सही लग रहा है इसका। अगर एक छोटे से डेस्क पे रखा हो या फिर अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, मैंने पहले आपको बोला था, तो उसके हिसाब से अच्छा है। कैसा लग रहा है वाला कूलर, इसका हवा आ रही है या नहीं पहले मुझे ये बता। हवा तो आ रही है। ये एडजस्टेबल है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, नीचे भी हो सकता है ऐसे, और ये भी। और एक चीज इसमें एक और भी है, तो नीचे की साइड दिख रहा है कुछ है ये वाला, ये हाँ, इसको एक बार पुल करो। तो ये क्या चीज़ है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं या तो पानी या बर्फ, मैं बर्फ ही डालूंगा अभी। तो एक बार इसमें आइस डालते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें जो हवा है वो ठंडी आ रही नहीं आ रही। आइस क्यूब्स मैंने इसमें कुछ डाल दिए हैं, और आई थिंक 5-6 आइस क्यूब्स हमने इसमें डाली है। तो एक बार इसको बंद करके हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें कर दो स्लाइड अंदर। तो अभी ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको एक बंद कमरे में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी AC नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, और पूरा बंद है। और जो कंपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे नीचे आइस और वाटर दोनों है, और नीचे से मुझे ठंडा फील भी हो रहा है। और ऊपर की थ्रो की बात करूँ तो यस, ठंडी हवा ज़रूर आ रही है कंपैरेटिवली बिना आइस और वाटर के। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये इतनी तेज़ इसकी फ़ैन की वो नहीं है, जो थ्रो थोड़ा और तेज़ होता तो मुझे लगता अच्छा होता। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो फाइनल गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले बॉक्स में है, तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा भी है और आपने गैस भी कर लिया क्या इसके अंदर। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको ओपन और देखते हैं हमारा गैजेट। तो ये है हमारा आखिरी गैजेट जो हमने ऑर्डर किया था, और ये है एक मिनी आयरन स्टीमर जो मैंने ऑर्डर किया था वो ये है। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो बॉक्स की कंडीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है, सारा बॉक्स ये जो मुड़ा तोड़ा आया है, टूटा हुआ आया है। बबल रैपिंग इन्होंने हालांकि ज़रूर करी थी, बट मुझे लगता है वो अच्छे से काम नहीं करी। और यहाँ पर आपके पास बॉक्स पे आपके पास लिखा है मिनी आयरन, फ्लैट आयरनिंग, हैंगिंग आयरनिंग, जो भी आप कर सकते हो उससे, सो स्टीम आयरन कर सकते हो, ड्राई आयरन भी कर सकते हो उससे। और इसकी जो पिक्चर है वो कुछ ऐसी है। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है देखो कि ओके टेस्टेड, तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारा टेस्ट किया हुआ है तो अच्छा ही होगा। तो एक बार ओपन करके चेक भी कर लेते हैं। ये तो बॉक्स तो ये देखो टूटा हुआ ही है, तो बॉक्स तो बहुत ही खराब कंडीशन में हमारे पास आया है। एक बार प्रोडक्ट भी देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर निकलते हैं हमारे ये तीन चीज़ें। तो पहला है ये प्रोडक्ट इटसेल्फ, इसको एक बार साइड में रख लेता हूँ। बाकी इसके अंदर मिलती हैं हमें ये दो चीज़ें। तो जो पहली चीज़ है वो है इसकी यूज़र मैनुअल, एंड चेक कर लेते हैं कि ये सिर्फ चाइनीज़ में है या फिर इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश में भी है ये वाली यूज़र मैनुअल, तो आप इसे पढ़ सकते हो इसे यूज़ करने से पहले। और इसके अंदर आपको ये एक मेजरिंग कप भी मिलता है जिससे आप इसके अंदर मेजर करके पानी डाल सकते हो, तो वो मैं चेक कर लूँगा कि कैसे ये काम करेगा। और अब देख लेते हैं हमारा ये प्रोडक्ट और
ये है हमारी हैंड हेल्ड स्टीम आयरन, और अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो बिल्ड क्वालिटी जितना हमने इसका पे किया है उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, एंड काफी पोर्टेबल वाली फीलिंग इसमें आ रही है। और अगर आप देखो तो अगर आप ऐसे पकड़ के ये वाला जो पार्ट है इससे अपनी शर्ट होगी, टी शर्ट होगी या फिर आपकी जीन्स होगी, इसे प्रेस कर सकते हो। तो ओवर व्यू की अगर मैं बात करूँ, और तो यहाँ पर हमारे पास ये दिखा भी है, तो इसमें कुछ शावर जैसा कुछ बना हुआ है, तो अगर इसको प्रेस करोगे तो मुझे लगता है यहाँ से स्टीम बाहर आएगी। और यहाँ पर आपके पास ये जो है पानी डालने वाला जो कंपार्टमेंट है वो आपको दिया गया है, और नीचे ये है एक मेरे ख्याल से इसकी एलईडी दी गई है कि ऑन ऑफ, उसे आपको पता चल सके कि ऑन है या नहीं है। तो जो स्टीम आयरन है हम इस वाली ट्राउजर पे टेस्ट करेंगे, तो इस ट्राउजर पे यार यूजुअली बहुत सारे रिंकल आ जाते हैं। मैं नॉर्मल भी अगर इसमें इसको आयरन करता हूँ तो ये ढंग से प्रेस होती नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं कि स्टीम आयरन इस पे काम करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें अब पानी भरना है, तो इसको एक बार ओपन करके हम वाटर भर लेते हैं इसके अंदर। गर्म हो रही है और इससे रिंकल्स निकल भी रहे हैं मुझे लगता है, और बट मुझे लगता है इतनी पावरफुल नहीं लग रही क्योंकि जो पानी है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो रहा है इससे। तो हाँ, काम कर भी रही है, और यहाँ आप देख सकते हो पहले बहुत ही रिंकली थी ये, और ये रिंकल्स ऑलमोस्ट निकल गए हैं इसके। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये छोटी सी चीज़ आप अपने बैग में रख सकते हो, और आपके ऑलरेडी आयरन प्रेस किए हुए कपड़े आप इसको इस वाले प्रोडक्ट से इसको यूज़ करके ठीक कर सकते हो। जैसे वो जो सिलवटें पड़ जाती है ना अगर आप बैग में डालते हो, तो उससे मुझे लगता है ये उसको हटा देगी। बाकी नॉर्मल यूज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इतना ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करेगा ये। तो गाइज, ये थे वो गैजेट जो हमने ग्लो रोड बाय अमेजोन से ऑर्डर किए थे, और मेरा जो एक्सपीरियंस था ग्लो रोड के साथ वो एक मिक्स्ड रहा। कुछ चीजें अच्छी आई, कुछ चीजें बहुत ही बेकार आई, कुछ चीजें एवरेज थी। और अगर आप मुझसे पूछो तो यार मेरा जो सबसे खराब प्रोडक्ट में से मुझे लगा वो था हमारा फिटनेस बैंड। सेलर्स को प्लीज चेक करना चाहिए कि वो क्या भेज रहे हैं, प्रोडक्ट एटलीस्ट कंप्लीट तो भेजो। कोई चार्जिंग केबल नहीं है उसके अंदर, गंदा है प्रोडक्ट। हमारा जो फैन था वो भी गंदा है हमारे पास, उसमें डस्ट लगी हुई थी। तो थोड़ा सा वहाँ पर मेरा डिसअपॉइंटेड सा मेरा एक्सपीरियंस रहा उस ग्लो रोड के साथ। बट बाकी के जो तीन प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि वो पावर बैंक, वो भी ठीक से काम कर रहा है। दूसरा हमारा जो मिनी कूलर, थोड़ा सा गिमिकी जरूर है वो मिनी कूलर, बट अच्छे से वो काम भी कर रहा है। अगर आप छोटे से डेस्क पर उसको रखो या फिर अगर कैंपिंग करो तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और जो आखिरी चीज़ जो स्टीम आयरन थी वो आपने देख लिया कि कैसे उसने काम किया। तो ओवरऑल ग्लो रोड के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एक मिक्स्ड रहा। और अगर आपको भी कोई डील या गैजेट अच्छा दिख रहा है, उसका जो प्राइस अगर अच्छा दिख रहा है, तो आप भी रिस्क लेके वो चीज़ मंगा सकते हो, बट अपने रिस्क पर ही मंगाओ। बिकॉज मुझे लगता है कि ग्लो रोड कहीं नया मीशो ना बन जाए। जैसे मीशो में हमारे पास चीज़ें आ रही हैं बिना क्वालिटी चेक के आ रही हैं, वैसे मुझे लग रहा है ग्लो रोड के कुछ सेलर्स भी ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है, जो ग्लो रोड को चेक करनी पड़ेगी, अमेजन को चेक करनी पड़ेगी, उनके सेलर्स की जो क्वालिटी चेक है वो अच्छे से उनको करना पड़ेगा। और इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी गैजेट को अगर आपने खरीदना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, कोई सजेशन तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।